जय हिंद बच्चों। सो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे इसकी थ्योरी कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। देन वी विल ड्राइव ए फॉर्मूला दैट विल बी यूज इन क्वेश्चंस। देन वी विल सॉल्व वन और टू PYQs तो दैट कि आपको ये कंसेप्ट लगाना क्वेश्चंस में आ जाए। और ये टॉपिक काफी ईजी है, इससे क्वेश्चंस भी बहुत ईजी आते हैं, तो आप इसको चुटकियों में कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताएं मुझे कि आपको कंटेंट कैसे लगा। ओके, नाउ दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अगर आप पता हो तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत कम करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है, जैसे कि 10 मिली एम्पीयर, 20 मिली एम्पीयर, उसको हम नाप पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं कि कैसे फ्लो कर रहा है। तो यहां पर डिफाइन करते हैं हम आईजी। पहले तो आईजी होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब उस गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होगा, जो लास्ट रीडिंग होगी, लास्ट वाली रीडिंग, बिल्कुल लास्ट, ये जो रीडिंग तुम्हें दिख रही है लास्ट रीडिंग, इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, कि मैक्सिमम कितना नाप सकता है, दैट इज कॉल्ड आईजी। ओके, नाउ जी, जी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि इस गैल्वेनोमीटर का कितना रेजिस्टेंस, जिसको हम जी बोलते हैं। अब कैसे करते हैं कन्वर्ट? सो वी कनेक्ट ए वेरी लो रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट इन पैरेलल। इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, शंट नाम, इसको शंट बोलते हैं। शंट एक टेक्निकल टर्म भी है इलेक्ट्रिसिटी में। जब भी आपसे कोई बोलता है किसी टॉपिक में, सवाल में, कि द रेजिस्टेंस इज शंटेड, द बैटरी इज शंटेड, दैट मींस कि उसके पैरेलल में कुछ लगा दिया गया, तो शंट का ही मतलब है। तो शंट का दिया मतलब पैरेलल में लगा दिया एक बहुत लो रेजिस्टेंस। इस पूरे डिवाइस को ये हम बोलते हैं एमीटर। ये को दिखता नहीं है क्योंकि वो जो एमीटर आप लैब में देखते हैं उसके अंदर होता है सब कुछ, एक डिवाइस है ना ये। इसका जो पॉइंटर घूमता है, इसके पीछे फिनोमिना है कि भाई पॉइंटर क्यों घूम रहा है। अगर कोई चीज घूम रही है मतलब टॉर्क लगता है उस पर, अगर कोई भी चीज दुनिया में रोटेट कर रही है मतलब उस पर टॉर्क है कुछ, तो एक्चुअली इस पॉइंटर में भी टॉर्क लगता है। वो उसके अंदर कॉइल होता है, उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो घूमता है, तो उसकी कहानी अलग है, उसको हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। अभी के लिए तो जरूरत नहीं है, अभी के लिए एक्सटीरियर से मतलब है कि अब क्या रीडिंग आएगी है ना। तो बाहर अब यहां जो करंट जाने वाला है उसकी लिमिट है आईजी। अगर ये 100 एम्पीयर भी आ गया बाहर से, लेकिन इसमें इससे ज्यादा नहीं आ सकता, इसकी मैक्सिमम लिमिट इतनी है, तो ये तो आईजी ही जाएगा। और बाहर से अगर करंट आई आ रहा है तो बचा हुआ करंट यहां से फ्लो करेगा है ना। मान लो इससे 100 एम्पीयर आया, लेकिन इसकी लिमिट आईजी ही है, तो आईजी तो इससे चला जाएगा, लेट्स सपोज 1 एम्पीयर, तो बाकी 99 ऊपर से जाएगा। एस को बहुत कम होना चाहिए, एस जितना कम होगा, कोई पूछ सकता है आपसे कि वाई शंट इज लो, बिकॉज शंट जितना कम होगा उतना ज्यादा करंट लो कर पाएगा उससे। अगर शंट को आपने ज्यादा कर दिया तो इससे भी कम करंट जाएगा, वो चाहिए नहीं हमको। हमको चाहिए कि जो एमिटर हम डिजाइन कर रहे हैं उसकी रेंज ज्यादा से ज्यादा हो, तो शंट कम से कम हो ताकि बचा हुआ करंट सारा फ्लो कर पाए उससे। नाउ तो ये दिस इज आई को बोलते हैं रेंज ऑफ एमिटर। एमीटर की क्या रेंज है, 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, सब कुछ करते हैं। ओके, नाउ ये जो दो आपको दिख रहे हैं, ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट, ये दोनों पैरेलल में लगे रहे हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, दैट मींस कि वोल्टेज यहां पे ड्रॉप कितना होगा, I into R, IG into G, ये यहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहां पे कितना ड्रॉप होगा, यहां पे ड्रॉप होगा I minus IG into S, S निकल के आएगा IG जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट जो हम पैरेलल लगा सकते हैं ताकि इस गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ जाए, मीटर बन जाए। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज अ सिंगल फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इन डिफरेंट क्वेश्चंस। तो इसको अगर नोट कर सकते हैं, देन अब इस पे हम ये देखते हैं कि कुछ बातें एक दो और हैं। वो बातें ये है कि इस एमीटर को लगाने कैसे सर्किट पर। तो पहली बात ये, तो ये तो फॉर्मूला हुआ, अब इसके बारे में कुछ बातें हैं कि पहली बात ये कि इट शुड बी
कनेक्टेड इन सीरीज। इसको आपको हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा। मान लो रेजिस्टेंसर, ये बैटरी है। अब आपको इसके अक्रॉस करंट नापना है, तो क्या आप एमीटर को यहां लगा दोगे? अगर यहां लगा दोगे फिर तो ये करंट नाप लेगा ये वाला। हमें तो इससे करंट नापना था आर से, तो हमें इसको आर के पास लगाना पड़ेगा। सो वी विल कनेक्ट दिस रेजिस्टेंस एमीटर इन सीरीज विद द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट के अक्रॉस आपको नापना है उसके सीरीज में आप लगा देंगे इसको। तो लगा दिया हमने, करंट नाप के दे देगा। दूसरी बात, आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर मस्ट बी जीरो। आइडियली एमीटर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज मान लो कि इस सर्किट में करंट नापना था, आपने बोला कि भाई करंट की वैल्यू यहां पे V बाय R है। अब यहां तो सिंपल है ये लगाना, बिकॉज ये V बाय, लेकिन अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स हो तो ये निकालना टफ होता है, उसमें आपको R नेट निकालना पड़ता है, फिर करंट निकालना पड़ता है। लेकिन यहां पे सिंपल तो बोल दिया हमने। अब इसको नापने के लिए आपने लगाया मीटर को, कि हम कैलकुलेट क्यों करें, एमीटर बताएगा देख के कि क्या आने वाला है। तो एमीटर करंट नाप भी देगा आपको, V अपॉन दोनों सीरीज में R प्लस R, R है रेजिस्टेंस एमीटर का, कुछ तो होगा ही। तो अब नापने गया था ये और नाप के आ गया ये, तो गलत है, ये एरर है। दिस इज एरर, ये एरर है इसमें। तो कायदे से जो R की वैल्यू है वो लगभग जीरो होनी चाहिए, तभी लिखा मैंने आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जीरो। अगर जीरो हुई तो बिल्कुल सही नाप के आएगा। तो आइडियल केस है, हालांकि जीरो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा, वन ओम टू ओम माइक्रो ओम कुछ भी होगा। तो आइडियली तो जीरो मान लेते हैं, वरना कुछ ना कुछ होता है। अगर कुछ है तो फिर आपको फिर परसेंटेज एरर निकालना होगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? अगर बोलता है कि इसमें परसेंटेज एरर निकाले, तो आप ये है पुराना करंट, ये है नया करंट जो आप फ्लो कर रहा है, तो परसेंटेज एरर निकालेंगे अगर, तो जाएगा डेल्टा आई बाय आई इनटू मतलब आई माइनस आई डैश आई इनटू। तो अगर आपसे कभी वो मीटर को आइडियल ना दे और कुछ वैल्यू दे दे उसकी, जैसे हमने यहां पे दे दिया आधे की वैल्यू, तो करंट नाप में क्या था ये नाप क्या है, ये तो कुछ एरर है इसमें, तो एरर निकाल सकते हैं इस मामले में से। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर 99% केस में एमीटर आइडियल होता है, सर कोई रीजन नहीं होता, क्वेश्चंस भी याद कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल तो होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो मेजरली सवाल तो इस फॉर्मूले होते हैं, अब देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन। तो कुछ जो बातें थी इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई आपको, इसको नोट भी कर सकते हैं। और जैसे कि आपके सामने ये पीवाई क्यू है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला भेज दिए। तो इसमें क्या ही गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस 25 ओम है ना, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आईजी दे रखा है आपको 1 मिली एम्पियर, और आई दे रखा है जो रेंज है एमीटर की जिससे बनाना है उसकी रेंज ये है। तो आपको शंट निकालना, शंट कितना होगा, ठीक है, फॉर्मूला ये होता है एस इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो आप खुद निकाल सकते हैं पुट करके, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आईजी की वैल्यू है हमारे पास 10 की पावर -3, और जी है 50 25, अपॉन आई है 2 माइनस आईजी है 10 की पावर -3। इसको देखेंगे तो हो जाएगा आपके पास 12.5 10 की पावर -3, और मैंने इसको इग्नोर कर दिया बिकॉज अगर उसको माइनस करेंगे भी आप तो ये 2 माइनस 0.00 आएगा, तो लगभग ये 2 के आसपास ही होगा। इसको 2 ही लिख दिया हमने, और फिर इसको 2 लिख दिया, उसे काट दिया है, तो दिस इज इक्वल टू 1.25 10 की पावर -2। तो ऑप्शन देखोगे, अगर ऑप्शन का डी ऑप्शन रिवील है करेक्ट ऑप्शन, फिर इसको निकाला जा सकता है आसानी से, जो बहुत इजीली इसको हम कर सकते हैं इसे।
तो आप अब जाके इस टॉपिक पे क्वेश्चंस ट्राई करें, आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस बचेंगे जो कि फिगर ऑफ मेरिट या फिर करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऊपर है, जो फिर मैग्नेटिक फील्ड में कवर होते हैं जब हम मूविंग कैलकुलेटर पढ़ते हैं। तो अभी के लिए जो ये पीवाई के होंगे सारे कन्वर्जन वाले, वो आप कर सकते हैं इजीली। सो आई बिलीव कोई लेक्चर समझ में आया होगा, और मेरी वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं मुझे आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।